अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसकी स्टेटमेंट है प्रूफ दैट हमारे पास लिमिट गिवन है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, फंक्शन गिवन है वन ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर और होल का स्केयर। ठीक है, ये एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर है, ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर नहीं है। इसको हमने प्रूफ करना है पाई इंटू ए प्लस टू बी ओवर टू ए बी क्यूब इंटू ए प्लस बी होल का स्केयर। ठीक है, कंडीशन भी हमें गिवन है ए ग्रेटर देन है जीरो और बी भी ग्रेटर देन है जीरो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वन ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर और का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, स्टेप वन अप्लाई करेंगे। हमें पता है स्टेप वन जो है उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं सबसे पहले एक्स को जी से। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर जी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस एफ ऑफ जी को जी से मल्टीप्लाई करना है और लिमिट अप्लाई करनी है। फिर हमने देखना है क्या ये जी एफ ऑफ जी जीरो को अप्रोच कर रहा है। मैंने यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई किया और साथ में लिमिट अप्लाई की, यहाँ से मैंने जी कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग जो टर्म है वो ये रह जाएगी, जी इंटू जी प्लस ए स्केयर ओवर जी इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर। ये जी इस जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, वन ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो हमने देख लिया यहाँ पे हमारा जो जी एफ ऑफ जी है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि स्टेप वन जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। अब हम स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू में हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है कि एफ डैश ऑफ जी, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये एफ डैश ऑफ जी मैंने इसको नेम दिया है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें यहाँ पे होल का स्केयर था, मैंने स्केयर को खत्म किया है इसीलिए मैंने एफ डैश ऑफ जी का इसको नेम दिया है। अब मैंने स्केयर को खत्म क्यों किया वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। जी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर। स्टेप टू में हम करते क्या है, हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले पोल्स फाइंड करेंगे देन रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो डिनोमिनेटर को हमने जीरो के इक्वल ऐड कर लिया, जी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए आयोटा और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए ग्रेटर देन है जीरो से और बी भी ग्रेटर देन है जीरो से, यानी ए और बी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो फिर हमारे पास जो पोल्स होंगे वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे। द पोल जी इज इक्वल टू ए आयोटा और जी इज इक्वल टू बी आयोटा लाइज अपर हाफ प्लेन। लेट सपोज अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और बी जो है वो लेस देन जीरो हो, देन हम पोल्स कैसे सेलेक्ट करेंगे। बी लेस देन जीरो है तो इसका क्या मतलब है, बी बी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर हम नेगेटिव वाला पोल लेंगे, यानी कि फिर हम लेंगे जी इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव होगी और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी बी की वैल्यू तो जो जी इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा होगा वो फिर अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा। तो फिर हम जो पोल सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू ए आयोटा एंड जी इज इक्वल टू माइनस माइनस बी आयोटा। ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों ए और बी ग्रेटर देन जीरो थे तो इसीलिए हमने ये दोनों फिर पॉजिटिव ही सिलेक्ट किए हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, रेजिड्यू फाइंड करना है जी वन। तो आर वन प्लस यानी कि फर्स्ट रेजिड्यू फर्स्ट पोल के लिए रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं एफ ओ ए अल्फा ए आयोटा। लिमिट अप्लाई करेंगे जी अप्रोच कर रहा है ए आयोटा को, जी माइनस ए आयोटा इंटू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल था, वो एफ डैश ऑफ जी हमने लिखा है अभी, जी स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस बी स्केयर। जी माइनस ए आयोटा और जी स्केयर प्लस ए स्केयर को हम लिख सकते हैं जी माइनस ए आयोटा एंड जी प्लस ए आयोटा। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद ये लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस वन ओवर टू ए आयोटा इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये रेजिड्यू है एट जी इज इक्वल टू ए आयोटा पर। अब हमने फाइंड करना है एट जी इज इक्वल टू बी आयोटा पर, तो इसको मैंने आर टू का नाम दे दिया। और ये सम आप लोगों को पता है किस चीज़ को शो करता है, अगेन बता देती हूँ, ये अपर हाफ प्लेन में जो हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एफ ऑफ बी आयोटा इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोच कर रहा है बी आयोटा को, जी माइनस बी आयोटा इंटू एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी हमारे पास ये है एफ डैश ऑफ जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं जी प्लस बी आयोटा और जी माइनस बी आयोटा। यहाँ से जी माइनस बी आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा वन ओवर टू बी आयोटा इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। सम करेंगे आर वन जो है वो हमने जो फाइंड किया माइनस वन ओवर टू ए आयोटा इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और आर टू हमारे पास आया है वन ओवर टू ए आयोटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इनमें से हमने कॉमन ले लिया वन ओवर टू आयोटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी। नेक्स्ट वन स्टेप थ्री है। स्टेप थ्री में हमें पता है हमने यहाँ फार्मूला यूज़ करना है, अगर हमारे पास लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गिवन हो और फंक्शन गिवन हो तो हमने उसके लिए टू पाई आयोटा और सम ऑफ आर प्लस आर प्लस सम ऑफ समीशन ऑफ आर प्लस का मतलब है द सम ऑफ पोल्स दैट लाइज अपर हाफ प्लेन। ठीक है, मैंने एफ ऑफ एक्स डी एक्स के जगह फंक्शन लिख दिया।
dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे एफ डैश ऑफ जी कहा था तो यहाँ पे इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने लिख दी 2 पाई आयोटा इंटू, अब अभी हमने फाइंड किया था रेजिड्यू, वो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी। यहाँ से एलसीएम लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ओवर ए भी आ जाएगा। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे वाला जो है ये स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी के साथ ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी यहाँ पे माइनस टू बी आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू जो बी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई ओवर ए इंटू ए प्लस टू बी ओवर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ये आप लोग इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनस टू बी इधर आके ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और टू बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे साथ टू आएगा पाई ओवर टू ए बी इंटू ए प्लस टू बी ओवर बी स्केयर इंटू ए प्लस बी होल का स्केयर। अब यहाँ पे जो है वो ये बी स्केयर इस बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू ए बी क्यूब बन जाएगा पाई ओवर टू ए बी क्यूब इंटू ए प्लस टू बी ओवर ए प्लस बी का होल स्केयर, यही हमने प्रूव करना था। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।